नमस्कार दोस्तों, आप सभी को प्रेमेश होमप्लेन पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज जो ये मॉडल आप देख पा रहे होंगे, आज इस वीडियो में हम इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह 26x36 फीट के अंदर, 26x36 फीट के अंदर आज का हमारा प्लान रहेगा। दोस्तों, सिंगल स्टोरी हाउस प्लान है और 2BHK प्लान एक कार पार्किंग सहित आएगा। काफ़ी बढ़िया सा एलिवेशन हमने तैयार किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से मेरा गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल पर आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपका साथ दीजिएगा, आपका आभारी बना दीजिएगा हमें, आपके छोटे भाई को। तो दोस्तों, चलिए चलते आज के टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 26x36 फीट के अंदर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रहेगा आपका फ्रंट साइड की ओर एक गेट, और साइड में हमने कुछ इस तरीके से इसका एलिवेशन तैयार किया हुआ है, और ऊपर छत का एलिवेशन देख लीजिए, कुछ इस तरीके से हमने इसका एलिवेशन रेडी किया हुआ है, और टॉप व्यू कुछ इस तरीके से इसका आने वाला है। तो दोस्तों, यही ये मॉडल। चले चलते इसके ग्राउंड फ्लोर यानी प्लानिंग के ऊपर। तो आप देख लीजिए, आप कहीं से भी आएंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आप गेट देख रहे होगा, इसी गेट से आप एंटर करके अंदर जाते तो सबसे पहले आपका ये कार पार्किंग आ जाएगा 13x18 फीट के स्पेस पर। जी हाँ दोस्तों, ये वॉल से लेकर इस साइड तक 13 फीट है, और ऐसे में ये 18 फीट है। 13x18 के अंदर एक काफ़ी बढ़िया सा कार पार्किंग आ जाएगा। उसके बाद इसी साइड से यानी फ्रंट साइड की ओर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया हुआ है, और यहाँ पर आपका जीना रहेगा। जीना चढ़ाने के लिए जो स्पेस हमने लिया हुआ है वह 13x6 फीट का लिया हुआ है, लेकिन पूरे 13x6 फीट का स्पेस नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्टेप देख रहा होगा, इस स्टेप से होकर ये वाला एंट्री डोर से एंट्री करके अंदर की ओर जाते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर पहुँचेंगे। ये आपका रहेगा एक छोटा सा हॉल या डाइनिंग, दोनों एक साथ में, जिसका साइज आने वाला है 19x12 फीट के अंदर। जी दोस्तों, ये वाला वॉल से लेकर यहाँ तक, ये वाला वॉल तक है 19 फीट, और ऐसे में ये किचन का जो वॉल आएगा इस वॉल से लेकर इस वॉल तक है 12 फिट। 19x12 फिट का एक छोटा सा डाइनिंग और हॉल रूम आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको इसी हॉल से इस साइड की ओर यानी फ्रंट साइड की ओर आपको दूसरा और एक डोर देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो इस एंट्री डोर से एंट्री करके जाएंगे दोस्तों, तो आप पहुँचेंगे यहाँ पर। ये रहेगा आपका एक छोटा सा किचन एरिया, जिसका साइज आने वाला है 13x8 फिट के अंदर। इस किचन का साइज आने वाला है 13x8 फिट के अंदर। उसके बाद आपको इसी हॉल से बैक साइड यानी पीछे की ओर आपको यहाँ पर इस साइड की ओर एक डोर दिख रहा होगा, ये वाला एंट्री डोर से एंट्री करके जाएंगे तो आपका ये रहेगा बेडरूम नंबर 1, जिसका साइज आने वाला है 13x10 फिट के अंदर। उसके बाद आपको फ्रंट साइड की ओर यहाँ पर दूसरा और एक डोर देखने को मिलेगा दोस्तों, जिससे एंट्री करके आप जाएंगे तो ये रहेगा आपका बेडरूम नंबर 2, जिसका भी साइज आने वाला है 13x10 फिट के अंदर। उसके बाद आपको इसी डाइनिंग जो टेबल है उसके साइड से आपको यहाँ पर एक डोर देखने को मिलेगा, जिससे एंट्री करके जाएंगे तो यहाँ पर आपका रहेगा 7x8 फिट के अंदर लेटरिंग बाथरूम कंबाइंड में। इसमें वेंटिलेशन के लिए आपको फ्रंट साइड की ओर एक छोटा सा यहाँ पर हमने वेंटिलेटर दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, और वेंटिलेशन में के लिए विंडो हमने चारों साइड से प्रोवाइड किया हुआ है। आपको मैं बैक साइड भी दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप, हर एक रूम में हर एक स्पेस पर आपको वेंटिलेशन का खास हमने ध्यान रखा हुआ है। और दोस्तों, इसके टॉप का जो व्यू आने वाला है, उस स्टेयर से होकर आप आते हैं ऊपर की ओर, तो आप यहाँ पर पहुँचेंगे, फिर इस वाला एंट्री डोर से एंट्री करके दोस्तों आप छत पर पहुँचेंगे, और छत का व्यू जो है कुछ इस तरीके से आने वाला है। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा छोटा सा सिंपल सा मॉडल। कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपका साथ दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे की ओर फिर से मिलेंगे दोस्तों, नए प्लान और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, देखते रहिए प्रेमेश होम प्लान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।